पहाड़ों में हुई इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद चमोली में तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फ का कब्जा हो गया है। बद्रीनाथ धाम अभी 7 से 8 फीट बर्फ की आगोश में है। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा जल्द अप्रैल के अंत में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए अब प्रशासन भी सतर्क है। इस बार रास्तों को खोलना प्रशासन के लिए चुनौती होगी, क्योंकि जिसके लिए चमोली जिला प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। क्योंकि इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हमें कहीं से स्नो कटर मशीन एक तो मिल जाए, और उसके अलावा भी हम जितने बाकी हमारे BRO NHIDCL इनके हम लगातार संपर्क में हैं कि सड़क हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़क की होती है, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद बिजली पानी की थोड़ी समस्याएँ रहती हैं। तो इसके संबंध में पहले भी एक बैठक कर ली गई है, और फरवरी लास्ट में फिर से एक बैठक करके उसको मॉनिटर किया जाएगा। और सुरेंद्र रावत संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद प्रशासन के लिए चुनौती लगातार बनी हुई है, और अभी भी बद्रीनाथ धाम की 7 से 8 फीट बर्फ की आगोश में। बिल्कुल, जिस तरह से जो इस बार की जो बर्फबारी हुई है वो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है, और कहीं ना कहीं जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे वहाँ लगातार जो बर्फबारी हुई है उससे प्रशासन के सामने जो यात्रा शुरू होगी चारधाम यात्रा उसके लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि जिलाधिकारी चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर जो पहली मीटिंग शुरू हुई है, और इसके बाद लगातार बैठकों का और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से किस तरह सड़कें क्लियर की जाएंगी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि 30 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल की कपाट खुलने की तिथि तय हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने ये रहेगा कि जब तक बर्फ लगभग क्योंकि 6 से 7 फीट बर्फ अभी भी भगवान बद्री विशाल में है, तो हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ के बीच जो सड़क को दुरुस्त करने का एक चैलेंज हमेशा ही प्रशासन के सामने रहता है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से सुरेंद्र देखा जाए 7 से 8 बर्फ जो फिट बर्फ है वो अभी भी जमी हुई है, और ऐसे में अप्रैल के अंत में ये यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो चुनौती कहीं ना कहीं दोहरी बनी हुई है। सतर्कता तो यहाँ पर कही जा रही है प्रशासन की तरफ से कि बरतनी शुरू भी हो गई है, लेकिन किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं बर्फ को हटाने के लिए, किस तरह के कदम? बिल्कुल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा होती है और भगवान बद्री विशाल बहुत महत्वपूर्ण धाम है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको गंभीरता से लेते हैं, और बिजली पानी के साथ साथ सबसे जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।